हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित गोयल। वेलकम टू गोयल क्लासेज यूट्यूब चैनल। गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी सीरीज चल रही है एग्जाम ओरिएंटेड द हिंदू वोकेबलरी। गाइज, ये एपिसोड 8 है। अगर आपने एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 8 तक नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। आप मुझे मोहित गोयल के नाम से सर्च कर सकते हैं अन अकेडमी पर। ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वहाँ पे फॉलो जरूर कीजिए। और मेरे वहाँ पे कुछ कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो गाइस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो प्लीज़ फॉलो मी अन अकेडमी। तो ये मेरा प्रोफाइल लिंक है, आप इसके थ्रू ही मुझे सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, पहला जो मेरा वर्ड है आज का, कंटेम्प्ट। ये द हिंदू के फ्रंट पेज पे यूज़ हुआ था 3-4 दिनों पहले ही, और फ्रंट पेज पे अनिल अंबानी जी के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ थी, तो उसी में यूज़ किया गया था। फ्रंट पे हेडलाइन थी ये, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसलिए हिंदी मीनिंग देखते हैं, अपमान करना, मानहानि, यानी कि किसी के बारे में किसी इंसल्ट करना, यानी कि डिफेमेशन। इंग्लिश में बोल देते हैं मानहानि को डिफेमेशन, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो है कुछ पॉलिटिशियन के खिलाफ या किसी पर्सन के खिलाफ डिफेमेशन के केस दर्ज हो जाते हैं, तो इसकी होता है कि हम उसकी उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी घृणा कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, आप फीलिंग डैट समवन और समथिंग इज नॉट वर्दी ऑफ एनी रेस्पेक्ट और अप्रूवल। वर्दी यानी कि एलिजिबल होना, उसके लिए योग्य होना। वर्दी ऑफ एनी रेस्पेक्ट और अप्रूवल होना, सिनोनिम्स है डिस्पाइटफुलनेस, डिसडेन, डिसरिगार्ड और स्टेबननेस। यानी कि स्टेबननेस बेसिकली ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जो जिद्दी होते हैं, जो किसी की बात को नहीं सुनते हैं, ठीक है। स्टेबननेस भी यूज होता है, काफ़ी कॉमन वर्ड है, कई बार एग्जाम में यूज होता है। एंटोनिम्स देता है एडमायरेशन, एस्टीम, एस्टिमेशन, रिगार्ड, यानी कि किसी की प्रशंसा करना। ये क्या हुए, सारे हमारे एंटोनिम्स हुए, यानी कि किसी की प्रेज करना, प्रशंसा करना, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, ही स्पोक विद कंटेम्प्ट इन हिज वॉइस में, वो जो बोला था विद कंटेम्प्ट, एक घृणा के साथ बोला था, एक गलत लैंग्वेज के साथ बोला था, विद कंटेम्प्ट इन हिज वॉइस, अपनी वॉइस में बोला था, अपनी एक घृणा के साथ। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया। कंटेम्प्ट यानी कि किसी की रेस्पेक्ट ना करना, यानी कि उसकी बेइज्जती करना, इंसल्ट करना, यानी कि डिफेमेशन करना है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिफाइल। डिफाइल क्या है, किसी मैला कर देना किसी भी चीज़ को, ठीक है। टू मेक इम्प्योर और डर्टी, यानी कि किसी चीज़ को गंदा कर देना, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। एंड सुनेनम देते हैं कंटामिनेट, डिग्रेड, विस्मृच, यानी कि ये क्या हुए हमारे सुनेनम्स हुए। एंड टर्म देते हैं असिस्ट करना, अपग्रेड करना, एलिवेट करना। एलिवेट मैंने आपको कुछ दिनों पहले एपिसोड 3 या 4 में बताया था, उसकी इमेजेस भी दी थी मैंने, कटिंग दी थी आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की। तो एलिवेट यानी कि इंक्रीज करना, बढ़ना, इंक्रीमेंट होना। एग्जाम्पल देते हैं, दे शुड नेवर डिफाइल अ चर्च और अदर होली प्लेस, दे शुड नेवर डिफाइल अ चर्च और अदर होली प्लेस विद वल्गर बिहेवियर एंड लैंग्वेज। एक वल्गर लैंग्वेज, वल्गर यानी गंदी लैंग्वेज यूज़ करना, गाली गलौज बोलना, बैड लैंग्वेज यूज़ करना, बिहेवियर एंड लैंग्वेज साथ चर्च और होली प्लेस, कोई भी होली प्लेस या चर्च गंदा नहीं करना चाहिए। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा, यानी कि डिफाइल यानी मैला कर देना किसी चीज़ को। आगे देखते हैं, इल्यूसिव। इल्यूसिव बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और ये द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पार्ट में काफ़ी बार देखने को मिला है। इंग्लिश मीनिंग है हार्ड टू अंडरस्टैंड, डिफाइन करना, रिमेंबर रखना, यानी कि किसी भी चीज़ को समझना, यानी कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, रिमेंबर रखना, याद रखना, तो वो क्या होता है, बहुत टिपिकल होता है, ठीक है। आप इमेज में जैसे कि आप लोग दे सकते हैं, यानी कि जो पजल होती हैं न्यूज़पेपर में आती हैं, वो बहुत ही टिपिकल होती है, जिनको याद रखना बहुत टिपिकल होता है। सुनिए हम देखते हैं, पजलिंग, बैफलिंग, एम्बिगुअस, ठीक है। बैफलिंग का मीनिंग होता है किसी चीज़ को कन्फ्यूज़ कर देना, ठीक है। एम्बिगुअस स्पेलिंग करेक्शन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये बैफलिंग यानी कन्फ्यूजन कर देना। एंड टर्म्स का डेफिनेट, ऑनेस्ट, इंटेलिजिबल, यानी कि समझदार होना, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, आई एम नॉट वेरी गुड एट मैथ, मैथ में अच्छा नहीं हूँ, अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्री इज एन इल्यूसिव गोल फॉर मी। जो ज्योमेट्री को समझना जो मेरे लिए कैसा गोल है, इल्यूसिव गोल है, कन्फ्यूजिंग वाला गोल है। तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा इल्यूसिव का, यानी कि समझने में प्रॉब्लम क्रिएट होना, अंडरस्टैंड करना। वो कई बार एग्जाम में आ चुका है, और द हिंदू में भी एडिटोरियल पार्ट में, विशेष तौर पर द हिंदू के एडिटोरियल पार्ट में काफ़ी बार देखने को मिला है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से। नेक्स्ट देखते हैं, पेरूज, क्या पढ़ेंगे, पेरूज यानी कि क्या है, वर्ब है, ठीक है। यानी किसी चीज़ का अवलोकन करना, टू एक्सप्लेन और रीड समथिंग इन एन इनफॉर्मल और रिलैक्स वे में, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, जांच पड़ताल करना, जैसे कि इमेज में देख सकते हैं। स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनाइज की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्ट, लुक थ्रू, यानी कि किसी चीज़ को जांच पड़ताल करना। एंटर में देखते हैं, इग्नोर करना, ओवरलुक करना, निगलेक्ट करना, यानी कि छोड़ देना, जाने देना। एग्जाम्पल देते हैं, द जज विल वॉन्ट टू पीरूज योर इंसिडेंट रिपोर्ट, सो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग इट। यानी कि जज जो है विल वॉन्ट, चाहते हैं टू पीरूज योर इंसिडेंट रिपोर्ट, आपकी जो
इंसिडेंट की रिपोर्ट है, इंसिडेंट की जो रिपोर्ट है आपकी वो पीरूज करना चाहते हैं, यानी कि जांच पड़ताल करना चाहते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग इट, आप ना भूलें उसको लाना, ठीक है। पीरूज का मीनिंग क्या निकल के आया, यानी कि अवलोकन करना, करना जांच पड़ताल करना। क्रिम्प, क्रिम्प क्या है, एक बेसिकली क्या है, क्रिम्प यानी कि वर्ब है, क्या है वर्ब, यानी कि सिकुड़ना, यानी किसी चीज का सिकुड़ा होना, होना फोल्ड होना, कन्वल्स होना, ठीक है। सुनो देखते हैं, क्रिंकल, क्रिंकल सिनोनिम्स क्या है, क्रिंकल, रिंकल एंड अंड्यूलेट, ये क्या हुए हमारे सिनोनिम्स हुए। एंटोनिम्स देखते हैं, स्मूथ, स्ट्राइटन, अनबैंड, ये क्या हुए हमारे एंटोनिम्स हुए, आप इमेज में देख सकते हो इजीली तरीके से। डोंट क्रिम द पेजेस ऑफ माई नोटबुक, मेरी जो नोटबुक है उसके पेजेस को क्रिम्प ना करें, यानी कि सिकुड़े नहीं। क्रिम का मीनिंग क्या निकल क्या है, सिकुड़ा हुआ होना, फोल्ड होना। आगे देखते हैं, ये आप सभी लोगों के लिए एक थोड़ा सा छोटा टेस्ट है, यानी मैच द कॉलम, तो प्लीज़ मैच द कॉलम जरूर कीजिए। कंटेंट जैसे आई होप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप चेक कीजिए कंटेंट, मैंने जैसे आपको बताया था, यानी कि किसी भी चीज़ को जो है यानी कि उसकी घृणा करना, यानी कि इंसल्ट कर देना, ठीक है। ये हुआ डिफाइल, यानी कि किसी चीज़ को मैला कर देना। इल्यूसिव यानी कि कन्फ्यूजिंग होना, और पेरूज यानी कि स्क्रूटिनाइज करना, जांच पड़ताल करना। क्रिम्प यानी कि सिकोड़ना। ओके गाइज, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, आपका बार बार धन्यवाद। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए गोयल क्लासेस यूट्यूब चैनल को। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। अगर हाँ गाइज, अगर आप ये चाहते हो कि एसपी बख्शी की जो बुक है हमारी, एसपी बख्शी की जो बुक है उसकी वोकेबलरी, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हुए, उसमें जितने भी वोकेबलरी है वो सारी हम कवरअप कर सकें, अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको एक एक वर्ड में याद करवा दूंगा एसपी बक्सी का। और आप भी कोई और भी कोई बुक चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।